कोटा से लापता दोनों स्कूली छात्रों का मंगलवार को भी कुछ पता नहीं लगा। इनमें विज्ञानगर निवासी छात्र जितेंद्र, पंकज के पिता रमेश ने चेतावनी दी है कि उनका बेटा नहीं मिला तो वो परिवार के साथ आत्महत्या कर लेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस ने अब तक कॉल डिटेल तक नहीं निकलवाई तो 5 दिन से दर दर भटक रहे हैं। गौरतलब है कि विज्ञानगर निवासी जितेंद्र, पंकज और उसका दोस्त सुनील 9 दिसंबर से लापता है। उनकी आखिरी लोकेशन भीलवाड़ा आने की बात सामने आई थी। मामले में विज्ञानगर और आरकेपुरम थाने में मामला दर्ज है। जितेंद्र के पिता रमेश अपने स्तर पर बच्चों को ढूंढने के तमाम प्रयास कर रहे हैं लेकिन अब तक कुछ पता नहीं लगा। सोमवार को खुद भीलवाड़ा जाकर आए हैं। वही मामले में विज्ञानगर थाना अधिकारी महेश सिंह का कहना है कि लगातार छात्र को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उसके पिता का आरोप बिल्कुल गलत है। 5 दिन का वादा दिया था मेरे लिए लेकिन 5 दिन आज पूरे हो गए, अभी तक कोई पता नहीं लगा मेरा बच्चा का। आज मैं टेट वहाँ तक हुए तो मेरे को आज 3-4 हज़ार का डीजल पानी बाल के मेरे को कोई पता नहीं लगा। हर आश्रम मेरे स्थान पर अब आगे क्या रहेगा? आगे मेरा ये है, अगर मेरा बच्चे का पता नहीं लगेगा तो मैं खुद साथ में मेरे बच्चे को छोड़ मैं आत्महत्या कर चुका हूँ। 5 दिन का मेरे को वादा दिया था, इन्हें वहां से नहीं आएगी, लोकेशन आएगी नहीं आएगी, लेकिन कुछ लोकेशन नहीं आ रही मेरे बच्चे।